टू द चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के लेकर सो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। सो आज टाटा मोटर्स में बहुत ही तेज़ी नोटिस करी गई है। सो मार्केट जब खुली थी 480 अराउंड खुली थी और जो करंट मार्केट पोस्ट मार्केट बंद हो रही है वो अप्रॉक्स 500.50 पे बंद हो रही है, जो कि इतने दिनों में मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा मूव है। इसने आज इतना तगड़ा मूव दिया है ना, जिसमें इसने इंट्राडे भी करा होगा ना, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ले गया होगा। मैं तो इसको मिस कर गया, लेकिन जिसने भी इसको किया होगा ना वो एकदम बढ़िया प्रॉफिट लेके चला गया होगा। सो सबसे पहले ब्रेकआउट का रीज़न जान लेते हैं कि ऐसा ब्रेकआउट क्यों हुआ और ये ब्रेकआउट अपने आप को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखो भाई, जब तक मूवमेंट 486 तक गया था तो वो एक नॉर्मल मूवमेंट था, उसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था क्योंकि ये मूवमेंट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इस मार्केट से कि ये कर सकता है। लेकिन इसने जैसे अपना ये क्यों 100 पॉइंट था ना, जहाँ पे आके ये वापस रुक रहा था, मतलब ये 486 से 487 के बीच में इसका एक पॉइंट था जहाँ पे ये फंस रहा था। एक बार इसने तोड़ने की कोशिश करी थी, नहीं तोड़ पा रहा था। सो उसने जैसे इसको ब्रेक किया ना, तो ये हम लोगों के लिए स्पीडोमीटर की तरह काम कर रहा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पर नोटिस करने को मिला। इसके बाद अब हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो टारगेट होगा कि ये 500 से इसके ऊपर जाएगा कि वापस एक रिटेस्ट करने या फिर अपना छोटा सा रिएक्शन लेने वापस आएगा। सो अगर आपने थोड़ा सा भी गौर करा होगा आज की मार्केट पे, सो आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि पहले यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को मार्क कर लेते हैं, हम लोग इसके हाई को मार्क करेंगे क्योंकि मार्केट पॉजिटिव जाने वाली, इसका ट्रेंड जो है वो 1 वीक के हिसाब से पॉजिटिव में चल रहा है। मेरा मेन मोटिव आपको दिखाने का, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये कैंडल आपको ये शो कर रही है कि मार्केट में इनडिसीजन आया था, मतलब यहाँ पे ही इसने अपने आप को टेस्ट कर लिया कि मुझे ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो इसके लिए ये जो पॉइंट था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जहाँ पे इसने अपने आप को सस्टेन कर लिया। अब अगर ये चीज़ यहाँ पे सस्टेन कर सकती है तो ये अपने आप को आगे भी सस्टेन कर लेगी। अगर कल मार्केट 500 के ऊपर खुली और उसके ऊपर आराम से मूव करती है, सो हम लोग इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मूव करने ही नहीं वाले, पुट साइड की किसी भी तरह की कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। हम लोग इसमें कल कॉल साइड की ट्रेड में ही ज़्यादा ट्रेड करेंगे क्योंकि एक तो उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, साथ ही साथ इसका एक ह्यूज ब्रेकआउट देखने को मिला। और अगर कोई स्टॉक में इतनी तेज़ी आई है सो अब वो कुछ टाइम तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट पीछे की देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सोलिडेट कर रही है। सो अब कई लोग पूछेंगे कि अब तो ऊपर जा रही है तो इसका टारगेट भी तो कुछ होना चाहिए। तो टारगेट हम लोग उसको 1 वीक के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को क्लियर होंगी। एक मिनट सेट कर दूँ उसको। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो, जैसे कि मैंने 500 का जो लेवल मार्क करा है ये एग्जैक्ट लेवल है जहाँ पे कई सारी कैंडल्स आके रुकी हुई हैं, ठीक है। सो हम लोगों को मेन क्या देखना है यहाँ पे कि अगर अभी अपने आप को सस्टेन करके जहाँ 520 तक खींच खाच के ले आता है तो इसमें तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट आने वाला है। इसने आप 1 वीक के मार्केट में भी देखो, इसने आपको काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करा, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था जाने की। इसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, मतलब जब से मैं इसके साथ हूँ इसने अपनी जर्नी शुरू करी थी 380 पे और ये करेंटली 500 पे आ गया है। सो अगर ये अपना 520 तोड़ता है तो उसके बाद इसको किसी के हाथ ही नहीं आने वाला है और काफ़ी तेज मूवमेंट देने वाला है। कॉल साइड की ट्रेड हम लोग में ही, कॉल साइड की ट्रेडिंग में हम लोग को जाना है, पुट साइड का कुछ प्लान ही नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कल यहाँ पे 20 पॉइंट्स तो नहीं रख सकते क्योंकि आज इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से बाकी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, जिस हिसाब से इसका अभी चल रहा है उस हिसाब से हम लोग मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ये ऊपर आया था तो काफ़ी ज़्यादा इंडिसिजन कैंडल थी जिसकी वजह से इसको वापस नीचे जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा इंडिसिजन कैंडल नहीं दिख रही है, एक इंडिसिजन कैंडल है, बाकी सब कितनी पावरफुल ग्रीन कैंडल्स हैं। तो ये पावरफुल ग्रीन कैंडल्स हम लोग को वीक वाइज ये शो कर रहा है कि अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही चलेगा। सो अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड में चलता है तो हम लोग कल कॉल की तरफ जाएंगे। 20 टारगेट्स तो हम लोग को बेफिक्र होकर चलने हैं, मतलब जब तक मार्केट इन 20 टारगेट्स के बीच में रहेगी तो हम लोग को किसी तरह का एग्जिट नहीं करना, किसी तरह की कोई डर नहीं है। 500 के ऊपर जाएगी, 520-515 तक के टारगेट्स हम लोग आराम से लेके चलेंगे। साथ ही साथ चैनल पर बहुत ही जल्द वीकली एनालिसिस की वीडियो आने वाली है, जैसे कि आप लोग रोज प्रिडिक्शन वीडियो देखते हो हर स्टॉक की, ऐसे ही एक हफ्ते की प्रिडिक्शन वीडियो है जिसमें एक स्टॉक के बारे में पूरे हफ्ते बता दिया जाएगा कि इसमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में सेक्शन में करो ताकि मैं उस सीरीज को जल्द से जल्द लेके आ सकूँ आपके बीच में, ताकि आप लोगों को ट्रेंड फाइंड करना ज़्यादा आसान हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।